ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद आज एक महीने बाद रियाज चक्रवर्ती को जमानत मिली है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत उससे जुड़े ड्रग्स केस में 8 सितंबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की गई थी, जिसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया। एक महीने से जेल में बंद रिया ने लॉयर कोर्ट से दो बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। वहीं जमानत के बाद भाईखला जेल से निकलते हुए रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है। बता दें, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, लेकिन ड्रग्स केस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा अभी तक जेल में हैं। उनको अभी तक जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर रखी है। वहीं जेल से एक महीने बाद निकलते हुए रिया का एक वीडियो सामने आया, जिसमें रिया का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन जेल से रवाना होती उनकी गाड़ी जरूर नजर आई। इस दौरान गाड़ी के आसपास मीडिया की भीड़ भी दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में साफ तौर से देखने को मिलेगा कि कैसे रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं और उनकी हालत कैसी हो गई है। आपको इससे बड़ी खबर और दे दें कि माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के लिए काफी रोई जब कोर्ट में उनके भाई को जमानत नहीं मिली और उनकी जमानत की अर्जी को कबूल कर लिया, तो वो काफी कोर्ट में परेशान हुई और रोई, उन्होंने अपना दर्द दिखाया। वहीं बताया जा रहा है कि रिया अपने घर भी पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया को एक महीने बाद बेल मिलने पर उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि रिया एक महीने बाद आज की रात अपने घर के बिस्तर पर बिताएंगी, ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। वहीं आपको बता दें, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार अपने भाई के लिए काफी परेशान है। आखिर शौविक चक्रवर्ती को क्यों जमानत नहीं मिली, तो आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती का बहुत बड़ा नाम सामने आया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती से ज्यादा और उससे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उनके भाई शौविक का नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि शौविक कई बॉलीवुड स्टार को ड्रग्स की पेडलिंग देते थे, जिसके चलते कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तीन बार जमानत को खारिज करने के बाद अब कोर्ट ने उनकी जमानत को स्वीकार करके उनको बेल दे दी है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के लिए बहुत रोई, और जिस दौरान वो रोई तो उनको आश्वासन दिलाया गया कि अगर आप सही हैं तो आपके भाई भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी तक सुशांत को तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर जरूर आ गई। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साथिका कौर। धन्यवाद।